यस बैंक शेयर को लेकर कुछ एक शेयर चेक कीजिए पहले एयू बैंक, आप चेक करेंगे कपिल डिम्पी एक शेयर चेक कीजिए उससे पहले जो थोड़ा अर्जेंट है क्योंकि मामला खत्म होता जा दिख रहा है। यस बैंक दिखाइए जल्दी से, बताइए बताइए क्योंकि 1% की बचा हुआ सर्किट लगने में अब तो, इसलिए मैंने कहा जल्दी से पूछ लेता हूँ बिना, इसलिए मैंने आपको रोका इसके लिए सॉरी। यस बैंक देखिए शानदार तेजी, कल आपने खरीदारी करने की सलाह दी थी, कहा था कि इसमें अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, कल भी हमने देखा 12-13% की मजबूती थी और आज 20% का के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आज आपने भी आज भी एक शेयर बताया, एक तो पहले यस बैंक बताइए। सर हमने आपको डंके की चोट पे कहा था कि यस बैंक को आप देख लीजिए, हमने उसके पीछे रीजनिंग भी दी थी कि कोई बैंक नहीं बंद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे दिन खबर आई थी ना कि आरबीआई की अप्रूवल आ गई एचडीएफसी को बैंक खरीदने की, वो इंडसन नहीं था, वो 6 बैंक थे उसके अंदर और उसमें यस बैंक का नाम भी था। तो ये क्या हुआ उस समय मार्केट में ना खबर उड़ी नहीं बहुत जोर से, सबने हेडलाइन से बनाई कि इंडसन में खरीद रहा। भाई 6 बैंक और हैं, एचडीएफसी को अगर बाइंग करना भी होगा एचडीएफसी लाइफ और एएमसी से तो वैल्यूएबल बाय को करेगा और ऐसे बैंक को करेगा बाय जहां पे बहुत अच्छा वॉल्यूम बन सकता है, बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो उसमें यस बैंक नाम बिल्कुल फिट बैठ रहा था, हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने तो सिर्फ बेसिक चीज पकड़ी, वॉल्यूम चेक किया, ब्रेकआउट देखा और लगा कि शेयर चल जाना चाहिए। सिर्फ 2 दिन का चार्ट आपके सामने दिखा रहे हैं, हमको बताया सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, 7 रुपए शेयर चल चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब बढ़िया से अच्छे से नोटिस करवा के हमको शेयर बता रहे हैं, हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत सारे मेहमान भी हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और हमने ये बात सबके सामने रखी थी, सभी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी के सामने ही, कि हम यस बैंक खुल्लम खुल्ला आपके सामने बता रहे हैं 2024 में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएगा, आप इसको बना के रखो, बने रहो। हालांकि मेरा टारगेट इसमें 40 रुपए तक का है, अभी 30 आया, लेट्स सी, देखते हैं एक बार क्या होता है। एक बार मैं जरा ये सवाल ले भी लेता हूँ, किससे लें, ये ले हम कपिल शाह से। कपिल जी जरा यस बैंक देखो आप फिर। यस सर बेशक, यानी पर्टिकुलर थ्योरी थी कि कोई भी स्टॉक आपका 90% से इरोड हो जाता है और काफी बड़ा बेस बना के पहली बार फॉल्स ब्रेकआउट आता है और जब भी दूसरी बार ब्रेकआउट देता है तो काफी अच्छा स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 30 रुपए के लेवल पे चल रहा है, अपर सर्किट लगने के तो पूरे के पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, और आने वाले दिनों में भी स्टॉक की इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम मुझे 32 तक की देखने मिलती है, वो काफी शॉर्ट टर्म का व्यू रहेगा। लेकिन ब्रॉडली पर्सपेक्टिव जब भी आपके 30-32 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है स्टॉक, तो नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड मोमेंटम कहां ना कहां पे उसकी 46-48 तक की भी रह सकती है, तो स्ट्रक्चरली काफी अच्छा स्टॉक अभी रिफॉर्म कर रहा है। ये राशि तौर पर यस बैंक में शानदार तेजी देखने को मिली, कह सकते हैं कि 2 दिनों में ना कल 4-7 से शुरू किया था, 7 और 13 6% और 8 करीब 24% का रिटर्न देखने को मिला है। यस बैंक में शानदार तेजी देखने को, एक शेयर देखिए अब ऐसे ही छोटे पकड़ का शेयर देखिए।